जिले में गुरुवार की रात एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार बुलेरो सड़क के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई, जिसमें बुलेरो में सवार 8 लोगों में से माँ बेटे समेत 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 लोगों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर इसका उपचार किया जा रहा है। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रक से भिड़ने के बाद बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और बोलेरो में अंदर बैठे लोग बोलेरो में ही फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए बोलेरो को गैस कटर से काटना पड़ा। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जहां डीएम और एसपी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहीं मंडल के कमिश्नर और डीआईजी भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जानने के साथ ही घटना का भी इन्होंने डीएम व एसपी से जायजा लिया। हम लोग इधर सीएचसी में आए हैं। यहाँ जो तुलौसा क्षेत्र से एक गाड़ी में 8 लोग जा रहे थे ड्राइवर समेत, तो बहुत तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी, 120 किलोमीटर की स्पीड पे। एक स्टेशन ट्रक से भिड़ गई और मौके पर 8 में से 5 लोगों की डेथ हो गई। 3 को यहाँ लाया गया सीएचसी में और 3 में से यहाँ एक की डेथ हो चुकी है। 2 लोग जो बचे हैं बहुत गंभीर हालत में हैं, उनको तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। देखिए, बबेरू कमासिन रोड पर आज एक दुर्घटना हुई है, जिसमें कि एक खड़े ट्रक के पीछे एक बोलेरो जो कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा रही थी, लगभग 120-130 की रफ्तार में जा रही थी, वो पीछे से उसने उसमें टक्कर मार दी। बोलेरो में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें कि 5 लोगों की भी मौके पर मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति जो सीएचसी बबेरू में उसकी मृत्यु हुई और एक और व्यक्ति की भी यहाँ जिला अस्पताल में डेथ हो गई है, जो लेटेस्ट जानकारी मिली है। जो एक व्यक्ति जो बचे हुए हैं उनको तत्काल हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनकी स्थिति सामान्य है। सर, ये लोग रहने वाले कहाँ पे थे? ये लोग तिलौसा गांव के रहने वाले हैं, जो कि थाना कमासिंग क्षेत्र में पड़ता है।